मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए हल बताते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को इसमें HCF ज्ञात करना होगा यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे 32 और 616 इन दोनों का HCF निकालेंगे। 32 से हम डिवाइड करते हैं 616 को। तो यहाँ पे जब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 32 आ जाएगा। अब इसमें एक घटा दीजिए तो यहाँ पे उधार लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में दो घटाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ 5 में 3 घटाओ 2 आ गया और 6 उतार लीजिए। उसके बाद ये 9 बार जाएगा, 9 दुनिया 18 के 88 लेक 9 तक 27 एक 28 तो ये आ गया 288। घटा दीजिए 6 में 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 16 में 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 8 में 8 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0। यहाँ पर 8 आ गया। अब इसके बाद 32 को हम भाग करेंगे 8 4 32 और ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 616 जो है 32 से बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन से 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणे 19 और प्लस यहाँ पे शेषफल 8 है इसलिए 8 लिखेंगे। यहाँ पे दिखा देंगे R इज इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए सवाल अभी एक स्टेप और होगा। तो यहाँ पे हम अब 32 को लिखते हैं, 32 तोड़े हैं तो 8 को 8 चौक 32 हुआ था तो 8 गुणे 4 और यहाँ पे शेषफल में कुछ नहीं हुआ मतलब होता है 0 मान के चलिए। तो 8 गुणे 4 प्लस 0 और यहाँ पे देखने को मिल रहा है R इज इक्वल टू 0। R का मतलब शेषफल, शेषफल 0 है इसलिए ये सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसका मासा निकाल के हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 है, भाजक 8। तो HCF 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अधिकतम संख्या 8 होगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले मान लेंगे सॉल्यूशन में, पहले सॉल्यूशन लिखिए। मान लीजिए, माना a एक धन पूर्णांक है। मान लेते हैं माना a एक धन पूर्णांक है, पूर्णांक है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। प्रश्न में क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मान लीजिए यहाँ पे वर्ग कर मान लेते हैं a बराबर 3q, इसका वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा
थ्री क्यू कवर करेंगे तो तीन त्रिका कितना होता है 9 और क्यू स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन कर सकते हैं 3, तो यहाँ हो गया 3q² और यहाँ पे हम 3q² को मान लेते हैं m। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q². अब इसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, ये तो पहला चरण था। अब दूसरे चरण में अगले को मान लेंगे a बराबर 3q+1 3q+1। अब इसमें भी हम वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 3q+1। अब इसका वर्क करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + 2ab + b², तो इसमें लगा देंगे। a² का मतलब हो गया 3q² + b² का मतलब हो गया 1² + 2ab, 2a और b। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 * 9 q² और प्लस 1² 1 और 2 * 3 = 6q, ये आ गया। तो इसको हम क्रम से लिख देते हैं 9q² + 6q + 1। तो यहाँ पे हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q कॉमन कर सकते हैं, तो या 3 केवल कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q² + तो यहाँ 2q और प्लस 1। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 3q² बचेगा प्लस यहाँ 2q बचेगा। तो यहाँ पे ये अब आ गया 3m + 1, जहाँ पे लिख देंगे 3q² + 2q, तो ये हो गया। इस तरीके से ये यहाँ पे हो गया है दो बार बार, क्योंकि हमें ये कहा था 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग प्रूव करते हैं, यहाँ पे 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। जब हम पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 3m के रूप में हो गया और यहाँ पर देखिए 3m + 1 के रूप में हो गया। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।